का जीवन से गहरा संबंध है। जल है तो जीवन है, जल है तो कीचड़ भी और कमल भी। कीचड़ के बिना कमल की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। साधु संत महात्मा सिद्ध जन कीचड़ में ही जीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जीना वैसे ही बिलग होता है जैसे कीचड़ में कमल का। अब यह आपके हाथ में है कि आप कीचड़ का साथ देते हैं या कमल का। यदि आप कमल का साथ देते हैं तो आपको शाश्वत संपत्ति परम धन प्राप्त हो जाएगी, और यदि कीचड़ पर दृष्टि रखते हैं तो आपकी जीवन रूपी संपत्ति पानी में डूब जाएगी। आइए देखते हैं कि आपका जीवन ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड असत्य रूपी दुर्गंध के साथ है या ध्यान योग प्रेम त्याग सत्य और शील रूपी सुगंध के साथ। ईटा पिछले चुनाव के पहले गिरल रहल, मोरम कुल रहल, और आज तक ही वो ठेकेदरवा मंदिर के निर्माण ना कैलस। चिंता मत कर, बन जाए बन जाए, सब हो जाए। हम बाली नू आवा, आई आई लोगन आई। ये गांव में रोड और अच्छा बनावे के बाद आई गांव के लड़की टॉप कर ले बाली टॉप, उनका के हम इनाम देवे कर। ये घर बा होकर ये घर के लड़की जिला टॉप के ले पड़ी। बाबूनी सुखलाल चाचा, सुखलाल चाचा। रे ससुरा जोर से बोल। अरे बोला था नीनू, सुखलाल चाचा। बाबूजी घर में नहीं खान। सुना है ना, अब आवा प्रणाम। तुम्हारा खातिर सरकार के यहाँ से चेक आयल बा, चेक आवा ले ला। गुड लगे तनी। अरे रे 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 इका करल बड़ू बबनी, तू गांव के खोनहार लड़की बाड़ू, तो हर जगह पाँव में नहीं के, हमरा दिल में बा, आवा गले लगा।
मु तू तू मु मीठा मु मु मीठा कर मिठाई खिलाओ रे इला चामंत जी प्रधान जी चेकला लव लव इली 1 लाख के चेक काबा एगो खुश खबरी बा तू जौनपुर जिला में टॉप आइल बाड़ू ना यही से प्रधान जी के निवेदन पर सरकार से इनाम आइल बा पूरा 1 लाख हो धन्यवाद घायल कर दे चला जय माँ विंध्यवासिनी जय माता दी माई बाबूजी जल्दी आवा जल्दी आवा बैठा का भइल बिटिया जल्दी का भइल भाई का बात का भइल ई देखा 1 लाख के चेक चेक 1 लाख के चेक तोरा नाम से लेकिन ई कहवा से तो के आइल हा अरे बाबूजी मम्मी जी हम जिला में टॉप करले वाली हां ए खातिर प्रधान जी हमके ई चेक देले वालन वाह बेटी वाह वाह बिटिया वाह तू तो हमार नाम एकदम रोशन कर देल माई धन्यवाद सुने ना दीदी सुने ना दीदी अच्छी लग बाड़ा हाय देखा दीदी तो हर फोटो अखबार में छपल बा अच्छा दीदी हम जाता नहीं बेटी ये सब माँ विंध्यवासिनी के कृपा से संभव भइल बा अच्छा सुने ना आज तो के पुरस्कार मिलल बा आज तो के कैसन लागत बा हम इस समय अपन मेहनत के फल पाके बहुत खुश बानी हम धन्यवाद देवे के चाहतानी अपन माए बाबूजी गुरुजन के जिनके अथक प्रयास की वजह से हम कई मंजिल मिल रहा मन मा हो मर करावे ना
करावे न जुलमी जवनिया गोली चलावे नयनवा हो एको चुम्मा हो एको चुम्मा हो एको चुम्मा तू दे दो मिजाजी गड़बड़ाइल बा तनी सबरू के ले लाखवार मिजाज गड़बड़ाइल बा हो चला तीजर में लूटेला मिजाज गड़बड़ाइल बा आय हाय 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 रोड के किनारे ना चलू तो धाका लगबे ना करी जवान भैलू अपने आप के ना समझू तो कैसे काम चली बताव बताई आजकल केहू के सिखाओ लो पापे बा फाटो धरती हम समाई चल हम तो उठेबे करब आव और हमर साइकिल तोहरा के उठाई कि तोहर साइकिल उठाई चला साइकिल बाद में जाई चला और हमर किताब पढ़ाई जवन हो तो तुम जाने जाओ थे सारा आओ ओ माई ओ माई बैठ बैठ गईलू खाला अच्छे से खाला का नाम है तुम्हारा सुने घर कहाँ बा ये हमारे घर बा ये तुम्हार घर है ठीक बा सुना ध्यान दिया रोड के किनारे चली है कहे की तुहरे बनाई बा आए है अब हमके समझ में आये तू कॉलेज में काहे पीछे रुक गए रहलू है ए हेलो कहाँ खो गई लू अरे मालती तू जानत नहीं तू जरूर उनका से कोनो चक्कर चलत बा अच्छा अच्छा तू ठीक कह रहा देखो देखो कलवा कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए ना चाचा नमस्ते चाची नमस्ते बेटा और कैसन बानी सब है सब ठीक बा सुना है ना तुहार तबियत कैसन बा अब ठीक है बा बस दो चार दिन में कॉलेज जाए लगा ठीक बा बेटा हाँ तू अगर समय पर ना आए रहता तो हमार फूल जैसन बेटी के साथे ना जाने का हो बेटा भगवान तुहरा के बनौले रहस हमने के तुहार एहसान कबो ना भुलाए जा अरे चाची एमे एहसान के का बात बा ई तो हमार फर्ज रहे अच्छा ठीक बा चला पहले अच्छा चला जी यात्रा खुश रहा बेटा सुनना हेलो कहाँ अरे कहाँ खो गए बाड़ू हो अरे जानत नहीं खू मनवा के इंटरनेट से सबरु से बात जे होत बा अरे मनवा के इंटरनेट से का है लावा सीधे बात करा दे तुम्हारा लोगन के शर्म नहीं आवत कैसे कैसे बात करत हन आए हाय आए हाय शर्म हमनी के का है शर्म तो तोके आवे के चाहिए अरे देख देख गलवा कैसे शर्म से लाल लाल हो गेल बा फोनवा नहीं खे लागत हर घड़ी नेटवर्क बिजी बताता मन करे तो उठा के नहीं खू सुने ना गदेल बा अलसी गिरफ्तार ना लागता लागता कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए हेलो हेलो हाँ के बोलता हाँ हम सौरू बोलते नहीं
आपके बोलो तनी। अरे हम जे भी बोला तानी सौरव जी, तनी ध्यान से सुनी हा। आज शाम 5 बजे तिवारी जी की बगिया में क्यों तुहार इंतजार करी, तनी दिलवा के थाम के धड़कनवा के लगाम लगा के जई है। राम राम। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ सौरव जी, पहले ही बताई, आपके बोला तनी। अरे हमारे नाम जान के क्या करब, आम खाई उठने के चक्कर में मत पड़ी। अभी 12 बजे था, अभी 5 घंटा इंतजार करी। हेलो। के करार बा मनवा पे करार बा, झड़ के लाजिया बस उनके इंतजार बा। हाँ मिले के करार बा मनवा पे करार बा, झड़ के लाजिया बस उनके इंतजार बा। आज दुनिया में प्यार के ऐलान होई, आज दुनिया में प्यार के ऐलान होई। उनका दिल से उनका दिल से, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई। आज दुनिया में प्यार के ऐलान होई, आज दुनिया में प्यार के ऐलान होई। उनका दिल से उनका दिल से, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई। अखिया के पुतरी में तुह के बसाई, बुझे लगवा तगरवा लगाई। अखिया के पुतरी में तुह के बसाई, तुहके बसाई, तुहके बसाई। तोहरा बदे तोहरा बदे तन मन कुर्बान होई, तोहरा बदे तन मन कुर्बान होई। उनका दिल से उनका दिल से, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई, उनका दिल से हमरा दिल के मिलन होई। अरे बाबा हम है सुने ना। Thank you.
तो हमरा खाती हमरा खाती बचाओ सुनबा सुनबा ये करती है जो साले ऐश करती है किसी को जाके बचाओ उठावे कोशिश कर ले ना छोड़ी प्रधान जी वो छोड़ बा ना धान बा बेटा बिरजू नारायणपुर गांव के राजपाल यादव एक संपन्न मनई हुए उनकर एक के बिटिया हवे जोन पढ़े में तेज बा सुंदर बा असो इंटर पास करके कंप्यूटर सीखत बा बाबूजी हम शादी करब त सिर्फ सुनैना से अनाथ जिंदगी भर कुंवारी रहब
काहे भाई बाबू के कोनो सपना होला कि ना? सपना 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 हमार सपना गल तेल लेबे। आखिर सुनैना के हो? अरे तनी खुल के बताइबा। भाऊजी तू चुप रहा, तोरा आगे हाथ जोड़ा तनी। सारा कहानी हम तोरा से पहले ही बता चुकल बनी कि सुनैना रामपुर गांव के सुखलाल यादव के बेटी हिया और हम ओकरा से प्यार करीला। ई बात तू हमारे बाबू भाई के आज तक ले नहीं बतौले, आखिर का है? शकुंतला तू भीतर जा, तू दोनों बाप बेटा यहाँ बैठ के फैसला कर ले जा। हम दोनों मियां बीबी के ये बात में बोलने का कौन अधिकार नहीं है। का करत बाड़ा, सूत गईला का हो? अरे ना भाई, सूतल नहीं की जागते बनी। बोला का बात बा? हम बेटी सुनैना के जब परीक्षा होत रहे ना, तब माता बिंध्यवासिनी से मनौती मनने रहनी कि हमार बेटी पास हो जाई तो हम उनका के नरियर चुनरी चढ़ाई। अरे एमे सोचे वाला का बात बा, आजे हम ननकुआ के सहज देतानी, कल सबेरे ओकरा जीप से चल चलल जाई। बेटी सुनैना। हां माई। का माई? बेटी हमनी के काल सुबह बिंध्यवासिनी माता के दर्शन करे जातानी जा, तू हमनी के कपड़ा बेग में धई द। हां ठीक बा माई, हम अभी धर देतानी। हे माई, हम का सोच ले रहनी, अब तू हमरा बेटी सुनैना के का से का दे देलू। सुनैना बेटी तू कौनो फिक्र मत करिया, हमनी के सांझ ले आ जाइब जा, ठीक ना? समझ लू ना? अब बिटिया तू घबराइया मत, अरे हमनी के सांझ ले आइए जाइब जा, तू हमनी की चिंता बिल्कुल मत करिया। बाबूजी हमरा लागी एगो सतरंगी चुनरी और गरबा में पहने वाला एगो मोती का हार ले ले आई हां। ओरा के जोन जोन चाही एके हाली बोल दो, हम तोहार कूल ले ले आई। नहीं 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 नहीं, हमरा बस इतना चाहिए। देखा बेटी, तू चाची के घरे चल गई है और उनकर काम में हाथ बटा दिया। माई बाबूजी तू लो ध्यान से जाई है। हमार बिटिया एकदम अबोध दिया, तनकी से बात तो रोए लागे ले। अरे हमार रोए वाला कौन बात बा, सांझी के हमनी के आइए जाए जाए। खुश रहा बिटिया। जुग जुग जिया। आई जी। बिटिया अपन ख्याल रखिया। हेलो। हेलो सबरू, कहाँ बाड़ा? हाँ घर ही बानी, तू ठीक बाड़ू ना? हम तो ठीक के बानी, लेकिन मनवा ठीक नहीं के। का भाई तुम्हारे मन के? अच्छा तबीयत ठीक बा ना? अरे 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 तू घबरा गई ला? अरे सब ठीक बा, बस तो से मिले खातिर मनवा बेचैन बा। अच्छा तो ये बात बा। अच्छा तो ठीक बा, जब तुम्हारे मन के ऐसा बीमारी भइल बा, बताओ कहाँ मिल जाओ? कहीं नहीं, तू बस गाड़ी लेके आवा, हम अपन गांव घुमा दी। चलो ठीक बा, हम आओ तनी, तू तैयार रही है। हाँ बैठी तनी, मन कर बैठी तनी,
के छाओ हो बड़ी निमन लागत बा तोरी तोहर गाँव हो बड़ी निमन लागत बा तोरी तोहर गाँव हो पहला पवन पुरवैया फर फर उड़त बाटे सुखल पतैया ओ सननन पहला पवन पुरवैया फर फर उड़त बाटे सुखल पतैया मोहनी मुरतिया देखी मोहनी मुरतिया देखी मन हर साओ हो बड़ी निक लागत बा सुनैना के गाँव हो बड़ी निमन लागत बा गोरी तो हर गाँव हो सौरभ भैया का भेल रे इतना घबराइल का सौरभ भैया अरे बोल बे सौरभ भैया वो सुनने दीदी के माय बाबू जौने जीत से आवत रहले ओ जीत के एक्सीडेंट हो गेल समारा अपने आप की तू चिंता मत करा हम भाई ना तोरा साथे हाँ का कहे हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवा कि हम का करें हमके हमरा हाल पर छोड़ दी बाबूजी भगवान के जौन मर्जी होई ना उहे होई धीरज धरो बेटा सब ठीक हो जाई बेचारी सुनैना बेसहारा हो गई ओकरा के सहारा दिहल उन्नी के काम होई यही से हम सोचतानी कि तोहार दोनों के ब्याह करा दी
बाबूजी। अरे काकी काकी काका काका राम राम काका। जिया जिया बिटुआ जिया, और सुनावा का हाल चाल बा? अरे भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक बा काका। अरे बाबू आइए प्रधान से तोरा कोलू दुश्मनी हो गेल रहा लाठी में तेल लगा के। अरे ना काका ऐसे ही हो गए थोड़ा बहुत, अब जानते हवा ओके। छोड़ा वो सब बात, चला अपन सुनाओ। अच्छा भगवान की कृपा बा। अच्छा इतने घामे में कहाँ जाता रहे लाठी में तेल लगा के? काका जाता नहीं तनी रामपुर गाँव में। जा बेटा जा, 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 जा। अच्छा काका ये बताओ इतना साल से लाठी में तेल लगाओ तो अभी तक लगल कि नहीं कहीं तेल? अरे लागल बेटा लागल, तबे इतना घामे में मेहनत करता नहीं लाठी में तेल लगा के। ठीक बा काका। अरे सबरू बेटा सुना। हाँ काका। लाठी में तेल लगा के दिया। एक बार काका प्रणाम। राम राम जीवलाल भैया। अरे तपेश्वर भाई आई जी प्रणाम। बैठी 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 कहल जा कैसे आना भाई? ऊपर वाले के कृपा। जा पानी ले आओ। जीवलाल भैया एगो काम से आयल हैं। कहीं हम सोचतनी कि हमार बेटवा सौरू और आपके भतीजी सुनैना दोनों के रिश्ता कर दिया जाए। अहो भाग्य हमार। अरे सुनैना बिटिया के शादी के लेके हम दोनों परानी बहुत चिंतित रहली हैं जान। अरे ही तो आपके बड़प्पन हो कि हमार दोनों जने के चिंता दूर हो गई। लाओ। हाँ पंडित जी पाल आ गई। हाँ अरे बात ऐसा रहल कि हमार बेटवा सौरू और सुखलाल भैया के बिटिया सुनैना दोनों के रिश्ता अगले महीना कौन अच्छा सा मुहूर्त देख के बताई ना। हाँ 16 तारीख। जीवलाल भैया 16 तारीख बताओ थे। एकदम 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 ठीक बा भैया। तो ठीक है पंडित जी 16 तारीख का अच्छा सा मुहूर्त बना करके पत्र भेज दें। मुबारक हो भैया। आप हो जी मुबारक हो भैया। जय माँ बिंदवासी। अच्छा तो हम चलत आनी। ठीक बा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपे के सब संभारे के बा, आप सब शादी की तैयारी करें। अच्छा चलिए भैया। राम राम। राम राम भैया। सुनैना के चाची हेलो सवरू कैसन बाड़ा? अरे का बताई सुनैना जहिया से तुहसे प्यार भइल बा न दिन में चैन मिलता न रात के नींद लागता भूख प्यास न जाने कहाँ चल गइल बा। हमरो तो उहे हाल बा। अरे हम न जानत रहनी कि प्यार करे के बाद दिल की ऐसन दुर्गति होला। हम जनती ता कबो तोरो से प्यार ना करती। अरे पगली हमनी के प्यार कैले थोड़े बानी जा इता हो गइल बा। अच्छा अच्छा चला बात बनावे में तोरा से केहू न जीत पाई। पहले ही बताओ फोन काहे खातिर कइलू हा? हमरा कहे के मतलब बा कि हमनी के शादी अब धरा गइल बा। अब हमनी के मिलल जुलल ठीक नहीं के। अरे समाज के मान मर्यादा के हमहू जानत हनी एक महीना बर्दाश्त कर लिहल जाई। ठीक बा तू आपन देख के ख्याल रखिए। हाँ तू ठीक से रहिया कौनो चिंता मत करिया। हमरा लगे एक होगो भैंस नहीं खे। चलो तनी भगवान से कहे कि हमरा साथे ना इंसाफी काहे होत बा लाठी में तेल लगा के। भगवान तू हमरा के काहे गरीब बनाऊला काहे गरीब बनाऊला। वो देखा प्रधान के 50 गो भैंस देला हमरा के एको नहीं। सरासर ना इंसाफी बा भगवान सरासर ना इंसाफी बा लाठी में तेल लगा के। जब तोहरा के भैंस देवे के ना रहे तो हमरा के काहे यादव कुल में पैदा कैला लाठी में तेल लगा के काहे पैदा कैला? आज तो के हमरा बात का जवाब देवे के परी भगवान देवे के परी। जब तो कुछ जवाब ना देबा हम तुम्हार चरण ना छोड़ा मुड़ी पटक 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 यही मर जाए। बेचारा बेचैन काका रोवत आ रहे हैं हमसे देखल नहीं खे जात रहे यही मर जाए लाठी में तेल लगा के। सुन चिरकुटवा हमरे लगे एगो आइडिया बा।
Para mi mamita que me quita mi bombón. Para mi mamita que me quita mi bombón. जल्दी व्हाट भगवान भगवान हम तुम्हारी बाती से प्रसन्न हुए मांग ले जो कोई भी एक वरदान मांगना चाहता है मांग ले मैं इसी समय तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा भगवान रवो बोलो तानी कहीं हम सपना तो नहीं की देखत अरे मोर मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हूँ भगवान हाँ सुनाया था कहीं क्या कहता नहीं अरे मोर ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है अतिशीघ्र वरदान मांग ले नहीं तो मैं प्रस्थान कर रहा हूँ अरे नहीं 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 भगवान नहीं 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 एको भैंस दे दी एको भैंस दूध दही घी सब मिली सब अरे 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 कहाँ भेल भगवान कहाँ चल गई नी ताटी में तेल लगा के कहाँ चल गई नी भगवान भगवान कहाँ चल गई नी मूर्ख भक्त तुम बहुत भोले भाले हो जी भगवान जितना बुद्धि बा सब रहुआ जानते बानी लाठी में तेल लगा के सब रहुआ जानते बानी वात तुम्हारे पास 10 कट्ठा जमीन है ना हाँ हाँ बाटे बाटे लाठी में तेल लगा के उसमें जो भी फसल लगी है ना उसे काट डालना और फिर बाजार जाकर भैंस का बिया खरीद लाना सुन रहे हो ना भगवान फिर खेत को जोत कर उसमें बाजार से खरीदे गए भैंस के बिये को रोप देना उसके बाद एक हफ्ते में बीवी निकलेगी 6 महीने में पेड़ होगा और 9 महीने में फूल निकलेगा और फिर 10वें महीने में फूल में से फल की जगह बैंस फरेगी बस और फिर तुम्हारे पास सैकड़ों नहीं हजारों हजारों भैंसे होंगी बस समझे ना अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ बस तथास्तु भगवान प्रभु धन्य बानी रावी एहसान हम जिंदगी भर न बुलायब जिंदगी भर न बुलायब अब भैंस हरी लाठी में तेल लगा के अरे शारदा शारदा खोला हो के बढ़िया लाठी में तेल लगा के अरे शारदा खोला हो के बढ़िया लाठी में तेल लगा के खोला हो अरे शारदा अरे काहे इतना घबराइल बाड़ा कहाँ रह रहा है रात भर अरे चला भीतरा बतावत नहीं चला अरे... चला चला दरवाजा तो बंद कर रही क्या कर रहा था लेकर जा के हम सब अरे हमरा गर्ल खजाना मिल गई बा लाठी पे कह के गर्ल खजाना मिल गई बा पागल के बताओ लाठी पे तेल लगा के लोगवा ठीक है कहला 12 बजे के बाद बुद्धि खुलेला और 80 बरिस ले नाबालिगे रह जाला अरे शारदा शारदा तू झूठ मानत तारू हमरा पर विश्वास नहीं खे तू सटिया गई बाड़ा जरूर तू सपना देख ले बाड़ा अरे पागल कहीं का कहीं भैंस के बिया होला उ खेत में रोपाला तोहार बुद्धि भ्रष्ट हो गई बा ठीक बात शारदा तोरा विश्वास नहीं है ना तो देख लिया एक दिन भगवान अरे तू भगवान की लीला नहीं खुजानत तू चाहे ना तो पत्थर में फूल खिला दे फूल अच्छा अच्छा देखा भगवान के लीला बैठा हम अभी चाय बना के लावता नहीं भैंस के पिया लाठी में तेल लगा के अपन फसल उड़ा दे भैंस का पिया रूप दे अपन फसल उड़ा दे
ए काका ई का करत तारा सब हरियरे काटत तारा तबियत तो ठीक बा ना हमार तबियत ठीक बा हमार खेत है कुछु काटी रोपी हां कोसे का मतलब अरे सठिया गेल बाड़ा का हां हम सठिया गेल बानी हम दारू पी ले बानी हम भांग खाई ले बानी कोसे का मतलब लाठी में तेल लगा के अरे काका कुछो करत बाड़न तेल लगा के अपना जमीन जायदाद में कुछु काटे हुए तोके उसे का मतलब था का मतलब अरे चला 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 अरे चला मर दे पगला गई अरे सकल पदार्थ है जग माही लाड़ी में तेल लगा के अरे भगवान की लीला को बूझत नाही शारदा शारदा तनिक जल्दी करा लेट होत बा अरे आवत आनी बोरवा नहीं के मिलत रहल अरे अब तो मिल गई ना अरे ई का ई बोरवा तो फाटल बा अरे बाजार जाके तनी सिलवा लिया ना ठीक बा बाजार जाके तनी सिलवा लिया ना बा ठीक बा पैसा अरे हाँ बिना पैसा के गाड़ी कैसे चली देत वाली बिना पैसा के तो रुका धन पूरा लौकत नहीं के का चाहत बड़ा काका भैंस के बिया लाठी में तेल लगा के कितना आधा क्विंटल भैंस के बिया वो आधा क्विंटल सुना भैंस के बिया आधा क्विंटल देखो चाचा सवेरे सवेरे भांग पी के आके सटिया गल वाला नहीं खे तो सीधा सीधा बोला कि नहीं खे ये महसी का क्या बात राम राम काका राम राम का देखा था काका का चाही भैंस का बिया चाही आधा क्विंटल गजोदर है देखा काका भैंस के बीज ढूंढा था दुकान पर तो कहाँ मिली अरे काका ब्लॉक पर चल जा ब्लॉक पर मिली जितना चाही सब ठीक बने काम कर रही हूँ अब की बात भैंस के 24 घंटा बैठे मत ध्यान रखें सबकी बात भैंस राहुल जरूर गाभिन हो जाए बुखार नहीं है हाँ सब ठीक बात हाँ हाँ सब ठीक है ठीक बना हाँ बढ़िया से ले जाएंगे राम राम डॉक्टर साहब बड़ी देर से बैठे हैं 3 दिन से मैं भैंसी बीमार हूँ पात्र पे खाना है हाँ राहुल का प्रॉब्लम बा डॉक्टर साहब हमरा भैंस के बिया चाहिए आधा क्विंटल अरे बोरा लिया हिल बानी का और बरुआ फटल नहीं खे खेत में रोपे खातिर भैंस भरी है सन लाठी में तेल लगा के हे भगवान ये आफत कहाँ से आ गई
डॉक्टर साहब हमार नाम आफत नहीं, हमार नाम बेचैन यादव है, लाठी में तेल लगा के। अच्छा बेचैन यादव, रउआ ये बताई कि ब्लॉक पर के भेजल है? डॉक्टर साहब दुकान में गई रहनी है, वहाँ ना मिले, वह लोग कहल के ब्लॉक पे मिली लाठी में तेल लगा के। रउआ एगो काम करी, रउआ घरे जाई, रउआ संगे एगो बहुत बड़ा मजाक केहू कैले बा। डॉक्टर साहब रहम करी, हमे पैसा ले आइल बानी, फ्री में थोड़ी मांगतानी लाठी में तेल लगा के। हे भगवान, ई कहवां कहवां से लोग चली आवता हमरा लगे। अच्छा ठीक बा डॉक्टर साहब, दसे किलो लहा दी, हम बड़ी मुसीबत में मांगी लाठी में तेल लगा के। अच्छा एगो काम करी रउआ, हई बोरा पकड़ी आ घरे जाई, हमरा लगे बहुत काम बा। बाबूजी हमको भैंस का बिया मिल जाए लाठी? हाँ 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 मिल जाए मिल जाए। काका प्रणाम। अरे आवा आवा लो बैठो लो लाठी में तेल लगा के। काका बड़ी परेशान लगा तारा, क्या बात है? अरे कुछ परेशानी होके तो बतावा, हमनी के दूर कर देव जा। हाँ काका, एगो चूल्ही में बात ई बाकी। भाग ससुरा, एगो चूल्ही में ना एक चुवाली में। काका हमरा से गलत फैमिली हो जाला। अरे भगवान, जब तोरा अंग्रेजी बोले ना आवे तो काहे पकड़ पकड़ बोले ले, गलत फैमिली नहीं गलत फहमी होला। चुप रह काका, काकी कोत रोली है, कुछ खा पियत नहीं खे बारो? काका रउआ के दुख हमार दुख। काका एगो चूली में बात ई बाकी, रउआ आपन कष्ट हमें लोगन से बताई, हम लोग जरूर मदद करब। हाँ, काका जरूर काका। अरे का बताई बचुआ, आज 10 दिन से भैंस का बिया खोजत आनी, कहीं नहीं खे मिलत, कहीं नहीं खे मिलत लाठी में तेल लगा। नहीं खे मिलत, नहीं खे मिलत। हां कारे चिरकुट बा, तोरे जानकारी में बा? बा काका बा, बा? एगो चूली में बात ई बाकी, रामबली काका गोधनपुर वाले, उनके यहाँ एक कुंटल भैंस के बिया भूसा में छुपा के बैले वाले। एक क्विंटल, एक क्विंटल भैंस के बिया, अरे हमका तो आधा क्विंटल ही चाहिए। लेकिन काका बहुत रहले कि 1000 रुपए कुंटल बा, गोधनापुर इतना दूर बा कि बहुत दूर ना पई बा। अच्छा काका की जाक कौन जरूरत बा? काका हमनी के बानी ना, एक कुंटल के दाम भाई 1000, तो आधा कुंटल के भाई 500 रुपया, 500 रुपया गिराओ घर के ना भेज दे, 250 रुपया कुल मिलाई के 750 रुपया, 750 रुपया। हाँ काका, हाँ मैं कभी देता हूँ। एक सात साढ़े, अब काम काम हो जाए काका। अरे काका किराया ना, अरे काका काम हो जाए, काम हो जाए काका। काका प्रणाम, प्रणाम काका। अब भैंस का बिया मिल जाए, लाठी में तेल लगा के। एगो चूली में बात ये है कि अब गोधनपुर जाएगा बुला कैंसिल। अरे बेवा के का हो गया ससुराल? सब हो जाए, यही बैठे बैठे सब हो जाए। हम एगो प्लान सोची था। सोच तो सोच। बात एगो चूली में ये है कि अगर ककवा के बिया न दिया जाए तो बहुत भारी बवाल करी, जियाबो न दे ते ससुराल के फंसा के ककवा के, और झूठे उसे पैसा लेके दारू मुर्गा में फंसा दे रहे सब। हम पिए नहीं रे, उड़ा दे रहे सब। हम पिए नहीं रे, नहीं तो हम पिए नहीं रे, हम पिए नहीं है। बोल बात तो ज्यादा बोल बात है। ठीक है चुप रह। हम दोनों बैठ के दिमाग लड़ावल जाए, दिमाग लड़ा के नहीं, दिमाग नहीं लड़ाव के नहीं। अच्छा दिमाग लड़ावे के, दिमाग लड़ावल जाए। भगवान 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 हेल्प करिए। तू मारत गए पड़े रे ससुरा, सुन नहीं पड़े। मिल गए मिल गए रे, 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 भैंसे बियो मिल गए, मिल गए रे ससुरा का, मिल गए भैंसे बियो चिना नहीं बा, भैंसे के बियो ऐसा होला। हाँ करिया भैंस बियो करिया के जाने ये हड्डी को मिलार के ये भैंस के बिया है। चल 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 मिल गए रे, चल चल अरे पकड़ तानी, चल चल गौ से पकड़ पकड़ चल चल काम कर चल चल।
ए काका काका ए काका 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 हो ए चोर ए चोर का लगा ए काका अरे भैंसिया के बिया ले आल बन जा मतलब माल आ गया काका लाठी में तेल लगा के अरे कोई जल्दी बेटा भैंसिया का बिया हमारे लाल काका भैंसिया के बिया लावे में बहुत परिश्रम भइल है कुछ अच्छा बच्चा दे दे तो दे रहनी है ना वो तो खर्च हो गई कुछ बच्ची समझ के ठीक बा 100 रुपया तू रखा 100 रुपया तू रखा यहाँ रखा काका प्रणाम काका नमस्कार हम जे टीवी से लवी श्रीवास्तव हाँ भाई मीडिया क्या बात बा? इंटरव्यू ले काका आपसे इंटरव्यू लेवे के बाद हमार काम हो गया हमका डिस्टर्ब मत कर काम हो जाए के बाद खूब इंटरव्यू ले जाए लाठी में तेल लगा हम ये समय जौनपुर जिला के सकरा रामपुर से सीधा लाइव दिखा रहे बानी बेचैन काका देखा जाए कि इंडिया कोटा डाइट आदर खिसक आ रहे इनकर कहना बाकी भैंस के बिया जो रोपे जाता रहे एक हफ्ता के बाद डीवी कनखा निकली एक महीना में पौधा तैयार हुई 6 महीना में पेड़ तैयार हुई 9 महीना में फूल आई और 10वां महीना में पेड़ पर भैंस परे लगी चला चला हटलो की हटलो काम कर दे लो बहुत खुश नजर आवत आ रहे विश्व सूत्रों से पता चल बाकी भैंस के बिया काका बहुत दूर से ले आल बाड़ी देखा लो खेत के हंगावल जात बा अब हम 5 मिनट में बेचैन काका से सीधा संपर्क कराई काका भैंस के बिया रोक के खुशी खुशी आवत बाड़े अब हम काका से पूछे जात बा कि भैंस के बिया काका कहाँ से ले आए हैं अब वो आप लोगों के बताइए काका प्रणाम अब तो खेत के हंगाई हो गई है अब दर्शक लोगन के ई बतावा कि भैंस के बिया के इंतजाम कहवा से भइल है भाई सबसे पहले तो देश की जनता के काका के और बेचैन यादव की तरफ से हाथ जोड़ के पढ़ना भाई हमारे सबके बतावा के चाहता नहीं यहाँ से 50 गाँव हम वहाँ से भैंस ले आए और यहाँ ला के बो दिए और ये हमारा दावा बा एक बार भैंस के पेट तैयार हो उसके बाद भैंस फट से अरे लगी है लाठी में तेल लगा के अच्छा काका ये बतावा कब से भैंस के बिया रोपले के आइडिया आपके दिमाग में आयल बा भाई ये बात का जवाब हम अभी ना दें पर इतना कहे कि आज के इस कलयुग में विज्ञान का बोल पाला बा विज्ञान हर संभव के संभव करके दिखावत बा और हमारी ये प्रयोग बा हमारी ये आविष्कार बा हमारी खोज प्रयोग का खोज जब पब्लिक के सामने जनता के सामने आई तो जनता अपनी आंख से देख ली देख ली जनता देखा कलयुग में भगवान की लीला तो नहीं क्या लगा था कि बेचना भैंस के बिया रोपिए तो भैंस पर ही है अरे नहीं प्रधान जी ये सब बकवास है अरे बेचना ससुरा अपने बेचन रहेला ऊपर से पब्लिक के चूना लगावे के धंधा पर ले बा ना 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 प्रधान जी ये में कुछ न कर जा सकेला अरे भगवान के लीला अपरम पार बा आज हमरा पता लागल हो कि ओकरा के भगवान जी आशीर्वाद देले बारन भैंस के बीच बोला से भैंस फड़े लागी आशीर्वाद देले बा भैंस पर ये साला अरे नाटक नौटंकी बात ससुरा बेचना के अरे ये तो सब सच्चे ए जानू का कहता रहा का लगा था क्या विचार भाई बारे में प्रधान जी अब ही हम ई मैटर में गहन विचार कई ले तब बात करो अरे अब ही तो हमार खुदे बुद्धि फेल बा भैंस के बिया भैंस के पेड़ भैंस परिए ई साला भैंस परिए बेचना रे
अरे रउआ इतना घबराए काहे बानी? एका का बताए लक्ष्मी, ये बेचना ससुर जब से अपन खेत में भैंस के फसल बोले वो तब से ससुर हमार जिंदगी में चढ़ करके रख ले रहा। अरे तो रउआ काहे परेशान होगा तानी? हर परे फजर परे वो बेचैना और ओकर भैंस के बिया ससुर बेचना के कुछ करे के पड़ी दे रोज रोजी सपना देखकर पगला जाए पगला जाए मामी। देखी 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 रवो जोश से ना कोस से काम ली। अरे ये सपना कोनो सच थोड़ी ना होखेला, ये सब झूठ होखेला। अरे सपना से केहू डेराला का? आप सुत जाए, चले सुत जाए। कैसे सुती कैसे सुती? हमार तो नींद आराम हो गई ले लक्ष्मी। आप परेशान मत होइए, सुत जाए, भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ ना होगी। भगवान तू ही देखिए भगवान। हाँ सुत जाए भगवान। तू जा लक्ष्मी। हाँ जामंत काका, आज हम ही आप लोग एक खातिर बुलौली हैं कि का बताई, हम बहुत बहुत परेशान बनी। हमारा परेशानी के वजह बहुत सला बेचाना और अपना खेत में हो गए वाला भैंस का फसल। यह सोच के हम बहुत परेशान बानी, रोज रोज रात रात बस सूत न पावतानी। समझ में नहीं खे आवत कि अब कैल का जाओ। दुनिया में कौनो ऐसा समस्या नहीं खे जकरा कौनो समाधान ना हो। यहू समस्या के कौनो न कौनो जरूर समाधान तो होबे न करी प्रधान जी। अरे भैया तोनी लोगन समझत का नहीं खो? भगवान के कृपा होई ना तो पत्थर पर फूल उग जाए फूल। मिल गई प्रधान जी, मिल गई। अरे एगो बड़ा बढ़िया आइडिया मिल गई भाई। का आइडिया मिल गई बताओ तो? देखी प्रधान जी, रउआ लगे तो बहुत है भैंस बाड़ी सन बाड़ी ना? हाँ बाड़ी था। तो प्लान ई बा कि 20 तो भैंस की जरूरत बा। अंधेरिया रात बा। अब हमार प्लान ई बा कि मंगरुआ के रोज रात के 12 बजे के ड्यूटी लगाल जाओ। 20 गो भैंस के घंटी घुंटी खोल के ले जाके खेत में कूटा गाड़ के भैंसन के बांध दे और फिर दरारे पे बैठा रही अपन। तो उसे का होई? अरे होई का बुड़बक, जब बीबी निकली तो सब भैंस डीबी चढ़ जाइए सब। तब ना डीबी होई और ना पेड़। ठीक बात जमन का के, लेकिन फिर का? अरे होई का, फिर मंगरुआ 4 बजे सब भैंसन के खोल के लेके वापस आ जाई और का हुई। वाह काका वाह, का आइडिया दे ले बाड़ा। अमन काका सुन। ये फुलेश्री, ये धनेश्री, यही रुका यही रुका। ये खेत बाटे, यही में टीवी निकले वाला बा, तोनी चढ़ जाई। हां ये बाटे बेचैन काका खेत। रुको अरे बाप रे, लगातार 4 बज गए। चलो फुलेश्री, चलो धनेश्री, चल 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 चल। ए चिंकिया तू आगे बारे घुसु, चल चल। हाँ चल चल जा। आज चल चल, आज भी ना निकलल बिहान निकली तो चढ़िया लोगन। चलो चलो। हाँ उड़। अरे शारदा हे नहीं आवा हो। ये देखा भैंस के खुर के निशान। अरे भगवान की लीला, न्यारी बा। अबे टीवी निकले वाले बा। अरे भैंस का आगमन बा, देखे तारू। धत तू तो बस ऐसे नहीं चिंकला, ये कौनो भैंस होई? अरे नहीं तू नहीं जानत है। अरे भगवान के देवे वाला होले तो निशान ही दिखावेले। देख एगो नहीं कोई को निशान, 1 2 3 4। अरे हमारी भैंसों का आगमन बा। अच्छा अच्छा चला चला, भगवान चाहिए
उहे होई। हाँ हमका तोरे ऊपर विश्वास बा। चला अब घरे चला। चलिए भैंस फरी है। तोनी लोगन ठीक से रहिया। आ तोनी लोगन गाना सुन को का भाई सुना बतानी। अरे मिस कॉल मारा तारू किस देबू का हो अपना मशीनिया में फीस देबू का हो आई आई मजा। हमरा गांव में नौटंकी नौटंकी देखते में हमरा बड़ा मजा आवेला। टाइम कितना भाई? 12 बजत हुई। 4 बजे रे नटंकी के मजा लूट के। हमार बतिया सुनो तोहनी लोगन यहाँ पे रहिया हम तेरा नटंकी देख के आवता नहीं। देखा हम नटंकी देख जाते नहीं तब तक इतना ही रहिया ठीक से। अगली बार तोरो के लिए चलब तई को नाटक कैला ना समझ लिया हमर लतिया तही बा धुलाई कहिए दे अब। हाँ अरे डाक पियोन से परमोशन पाके बन गईला बड़े बाबू। हाय देखी के हमरो ऐसन फिगरवा काहे तू हो खेला बेकाबू।
भाई मंत्री जी आए। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे भैंस भर गई सब लाठी में तेल लगा के देखा देखा। अरे हाँ हाँ। अरे भैंस भर गई लाठी में तेल लगा के। अरे भर भर गई सचिन भर गई भैंस। हे भगवान कहाँ लीला अपरम पार बा। लखना रे इरबा अरे कहाँ मर गए ससुर हे कहाँ गए तो नौकर सब अब वही तो यही रहे सब यही कहीं गई हुई है। अरे कहाँ गए ले अभी है प्रधान जी गजब हो गए वो बेचैन काका के खेत में भैंस को भैंसिया फर गए बा वो सब भैंसिया हाथ के ले गए बा भगवान अरे लक्ष्मी अब तो लुट गई ली रे बाबू अरे से भाई हाथ पे वो ले गई और कहता नहीं कि लुट गई नहीं अरे भैंस भैंस तो ले गए लेकिन भैंस तो मारे साला बचने काम कर जो मंगल वाके पकड़ के घसीट घसीट के ले गया जो मालिक बचने बचने साला का अरे का का अरे का भाई लुट गई ली अरे का प्रधान जी का ये सब हल्ला अरे अरे छोड़ा प्रधान जी छोड़ा छोड़ा अरे छोड़ा प्रधान जी छोड़ा छोड़ा प्रधान जी अरे प्रधान जी क्या करता है तू होश में काम करे होश में जोश में काम करेगा नहीं खे अरे मन जामुन काका के कवन गलती बा वो कुल सारा मंगरुआ के दोष बा अरे 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 बचा भैया जीवन बर्बाद कर दे ले ले। 8 लाख के नुकसान करा दे ले साला। हमारे प्रधान जी ठीक हो जाएगी क्या काग दीरद देखी रे अरे वो बेचना के लगे तो सब सबूत पा हमरा लगे काम आए वीर जी भैया पूरा दुनिया के सामने भैंस के बीच बोले रे रे बाप हे भगवान हमरा के उठा ले हे बीच भैया अरे वो तो सुरक्षा घरा मंगरुआ का बा गईल बा औते हो जी भैया हम लुट गए रवा कातरानी भैंस भैंस फरे में 10 महीना के समय बा 10 दिन ना भैंस फर गई सन भाई देखा भगवान की लीला के आगे सभी लॉजिक फार्मूला फेल हो जाए हम हूँ तो डीजी का इंतजार करत रहनी पर क्या करी वो कहावत ना कहल जाला कि भगवान जब धेले तो छप्पर फाड़ के दे ले लेकिन लागे तो हमारे केस में तो भगवान डायरेक्ट धरती फाड़ के भैंसे दे ले लाठी में तेल लगा के वो तो ठीक बा काका ये जाने के चाहत बानी कि भैंस 200 का है भैंस 150 का है ना अरे जमीन भी तो 10 ही कठा बा 2-4 बीघा रही तो 150 भरती से लाठी में तेल लगा के काका अब आगे का क्या प्लान बा अब तो यही प्लान बा कि यही कमाई से 4-5 बीघा जमीन खरीद के उनमें भैंस के बिया रोप के ज्यादा से ज्यादा भैंस के पैदावार करेंगे बा लाठी में तेल लगा के तुके पता है पूरा 20 भैंस के नुकसान भइल बा यानी पूरा 8 लाख के नुकसान भइल बा प्रधान जी के चल प्रधान जी के लगे ना भैया भैया हमरा के प्रधान जी के पास मत ले जा तो हमरा के गुटी गुटी काट दे प्रधान जी माई कसम भैया हम ही गांव छोड़ के चल जाए हम तो और बोल दे रहा दानी माई कसम बाबूजी कसम ए भैया हमरा के प्रधान जी के पास मत ले जा भैया हम तो रे माफ ना कर चल प्रधान जी के लगे चल हां दे वो जाई हम बता नहीं कतन चल चल हम तो छोड़ नहीं चल चल कतन चल दस दस Thank you.
इतना परेशान काहे रहता नहीं? भैसिया नु गइल बा, आप तो वानी ना। अब हर घड़ी इतना परेशान रहता नहीं, हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचते रहता नहीं। रवो सोचा था नहीं, कुछ हो जाए तो का हुए? अरे चुप 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 बारे में तब जब। मालिक मालिक हमरा से गलती हो गई बा, हमरा के माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी, माफ कर दी, माफ कर दी, हराम करा इसे, छोड़ दी इकरा के, कुछ ना कर, छोड़ दी इकरा के, कुछ ना कर बाबू, छोड़ दे, तुझे आराम करा, इतना मत दुलरवा बाबू, तू जा, कुछ ना कर ना, मैं के नहीं, आई 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 आई, आखिर हमरा से तो गलती हो गई बा, बाकी मालूम बा तारा के कितना के नुकसान कर देले हमार तू, मालूम बा? अरे आठ लाख के भैंसिया रहे हमार, कटवा दे वो देवता, मार दे तोड़ा। मैं सुन रही ना, ले जा ट्रक, अरे बांध के तब तक लटकाएगा जब तक खून ना पकड़े, खून का चूस ले के खून। विधाता कैसन दुनिया बनावला, केहू के संतोष दिल केहू के जरावला। ओ, 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 बाहरे विधाता कैसन दुनिया बनावला, केहू के संतोष दिल केहू के जरावला। जे जैसन करी ओकर फल ओइसन पाई, ऐसन करम ना कर होखे जग हसाई। जिंदगी के एही आनी जानी में आई हो दाता, ऐसन बुझाता गई भैंसिया पानी में। अरे आई हो दादा, ऐसन बुझाता गई भैंसिया पानी के काटा बोवे तू वोई है फुलवा, बबुआ हो रोजे रोजे जय है इस फुलवा। hey, कब हूँ जीवन में जनी जय है हिम्मत हारी, करी है तू ऐसन कमुआ देखे दुनिया सारी। अपने कर्म के फलवा पाई गईले काका, देखी के लोगवा रही गईले हाका बाका। केतनो पंचायती करब चाहे फौजदारी, लीला के आगे झुकल दुनिया सारी। जाई के बैठना दलानी में, आई हो दादा ऐसन बुझाता गई भैंसिया पानी में। अरे आई हो दादा ऐसन बुझाता।
के काहे रहा तारू पजरा तनी आजा आ भाई गोरी तू करे जा में समझा हर के काहे रहा तारू पजरा तनी आजा आ भाई गोरी तू करे जा में समझा हो हमार ढेर दिन के सपना तू साच कर दा ओ रानी होठबा से होठबा टच करे त रानी होठबा से होठबा टच करे त ना हो लाज पड़ी ना दादा कहे हमर सैया थर थर कांपे देहिया छोड़ा ना कलैया लाज पड़ी ना दादा कहे हमर सैया थर थर कांपे देहिया छोड़ा ना कलैया राजा किया तने कवर तो सच कर दा जाने ले ली दीदी इली आरती और प्रसाद हमरे घरे में पूजा पाठ के कौनो जरूरत नहीं थे है ना कपड़ा धोवा बैठी आईली भट्टी बने अरे अरे प्रधान जी तू तो कमाल कर लिया जहरीला सांप के हाथे से पकड़ लेला सांपों से ज्यादा जहरीला लगा था प्रधान जी तू का करे बिरजू भाई जहर के मारे खाते जहरीला बनल बहुत जरूरी होला हो देख तारा आधा संपत्ति पे जे कुंडली मार के बैठल तारा भाई रूपी नाग बा ओकरा के रास्ता से हटावे खातिर नाग की आवश्यकता पड़ी तू एक काम करा है हैले ले जाके ओकरा बिस्तर के ऊपर रख दे ओकरे बाद जे काम करी जी प्रधान जी ये नाग देवता करी मालिक मालिक संभाल के बहुत जहरीला सांप आके Okay.
चला बिरजू भाई, तुहार काम बन गई। काका बहुत देर हो चुकल बा, अभी दुनिया में नहीं खो। हम अपन सौरू के तोरे हवाले करता दी, एकर रक्षा करिया। बाऊजी अपना के संभारी संभारी अपना के, गंगा मैया चाहिए तो हमार सौरू
जरूर लौटे संभाल। चलो कितना ठंडा पड़ेगा तू खाओ गए कहीं नहीं बाबू। हाँ बाबू। अरे कहाँ? अरे का भाई काहे इतना गला पर चिल्ला पा रहे? देखा बाप रे लाश। अरे लगा तो कोनो आदमी की लाश है। चलो चल के देख। हाँ चलिए सर बाबू। लड्डू जी सरदार। लड्डू ये सांप के काटल लाश है, एक जल्दी इलाज करे के पड़ी, भगवान चाहिए तो बच जाए। संभाल के संभाल के ठीक ले आओ। ले आओ तो नहीं संभाल के संभाल के लड्डू संभाल के ले आओ ले आओ आराम से आराम से। सरदार सरदार देखी लगा था कि होश आ गई। हे भगवान तोहर लाख लाख शुक्र बा, जेई लड़का के जान बच गई। परदेसी बाबू का नाम हो तोहर? कजरी कजरी। हाँ बाबा बोली। एगो काम करो, इनका होश तो आ गेल बा मगर बहुत कमजोरी बा, हमरा बाजार से कुछ दवाई लेवे के पड़ी, तब तक तो इनका ध्यान रखो। लड्डू चलो हमरा साथ। जी सरदार। बहु आओ तनी का भइल बाबूजी? पानी उठी उठी अरे अरे एक गुलच्छनी अब तक आपने बता के खा गई है, अब हमरे पाछे काहे पड़न पड़े? दीदी करके एको कान धाम में मन नहीं खिला तो है नहीं, दिन रात आराम चाहिए इनके। ये भगवान इतने मोर चले चलाई यहाँ से की बुलवे तो एक तो मन बदलने बा। चल बाबूजी बनानी मारा ऐसा बुड़वा तो सुन के चल चल ना। हे भगवान अब हम के उठा लो। परदेसी बाबू ए परदेसी बाबू तुहार नाम कहा? कुछ बोलत कहे नहीं हो? हम तुहार नाम धरी का नाम धरी भोला धरत है। आज से सब जने तो के भोला कही है। काटू कुटू को ताकत हो कुछ बोलबो करबो? का बोली हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत कि हम के हैं और ये पता ना कहाँ आगिल बनी हम।
तो का बोला था हमरा कुछ ना समझ में आवा था। अरे कजरी, बकबक करके काहे परेशान करते रो परदेसी बाबू के, इनके तनी आराम करे द बिटिया। अच्छा ठीक हो बाबू। आराम करे परदेसी बाबू। बाबूजी, बाबूजी उठी, इली रस। अरे रे 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 रे, ई का करता रु तू? हां बाबूजी के ब्लड प्रेशर बा, सुगर बा, रस पिया के मुआवे के तैयारी करता रु का? अरे हम तो बाबूजी की सेवा करत रहनी हां। सेवा ऐसन कर जाता सेवा? और बाबूजी तबीयत तो भी सब ठीक बा? बाबूजी आज एगो बात पूछे के रहल है आपसे। घरवा के जवन वसीयत रहल ओके कागज अगर मिल जात तुरंत। लागत आए नहु के कौनो उपाय करे के पड़े। ए बोला तू कछु कहत काहे नहीं हो? कुछ कहा था रुका? हाँ बोला, हमके लागत है कि तुहार हमार जन्म जन्म से कौनो नाता बाटे। हम ही यही सोचा था नहीं, आखिर तू हमार इतना ख्याल काहे करता रु? हाँ तुहरा के भी कछु कछु होत बा का? अरे ना ही कछु, बस हमार करेजवा असी के रफ्तार में धड़क रहा बा, पता ना कैसन जादू तू कर दिल बड़ू हमरा ऊपर। Thank you.
अखिया के मस्ती जैसे लागे मधुशाला देखी जब तुम्हारे ता नसा चढ़ जाला चढ़ल जवनिया धीरे धीरे चढ़े लागल प्रीत के रवनिया मन भइल छछने परनवा मन बेमन भइल छछने परनवा भीतर भीतर मर जोर एगो चुम्मा तू दे दा एगोरिया एगो चुम्मा तू दे दा मनवा मरे लागिलो अरे ए महारानी अभी तक तोहार बर्तन नहीं मजाए है कपड़वा के धोई ले थाली से इके धो दिए क्या बीजू भाई तू तो शुरू वाला अरे प्रधान जी आज का इतना देर हो गई प्रधान जी अरे कुछ ना उतनी रास्ता में देर हो गई और प्रधान बीजू भाई आए प्रधान जी बैठे क्या हाल बा अब जीवन कैसे चल रहा है जीवन जीवन तो राव के मेहरबानी से एकदम चकाचक हो गए बा बस एगो एहसान और कर दे जीवन में एक तो हमरे जीवन में काटा बचल बा न ओ के निकाल दे बहुत एहसान हो प्रधान जी हमरा पर अरे अब तू भी ना बिरजू भाई अरे बिरजू भाई अब दोस्ती में एहसान कैसन तू हमारे दोस्त बाड़ा बिरजू भाई हम जोना के नहीं अपन दोस्ती के खातिर के नहीं है अब रहली कांटा के बाद अगर आपके आदेश है बिरजू भाई तो कांटा के हम ही निकल जाए प्रधान जी ये कांटा के रुआ निकल जाए या दूर करे बस हमारे जीवन में ही फसल कांटा एकदम साफ हो जाएगा चाहिए प्रधान जी हो जाए बिरजू भाई हो जाए चल तनिक बिरजू भाई के बढ़िया से सेवा कर जी जी मालिक बिरजू भाई आप तब तक पी तो हम आप आते हैं ध्यान रखे हाँ आराम से पी आराम से जी मालिक भैया सेवा सेवा चाहो ना था मंजिल मिल जाला देखा हम के हमार हमार मंजिल मिल गया सुना ना बहुत बहुत मेहनत के बाद हम आज यहाँ तक पहुंच ले बानी यहाँ तक कि तारा पति के भी सबसे हम ही तस बात के मलवाले नाली सुना ना मंजिल तक पहुंचला के बाद अपन मेहनत के बेकार न जाते छोड़ दो
अबे बिरजू भैया हाँ बता बेचारे जब देखा तब लतिया उतर आला मौका आवे तो साले तेरे जब अल्लाह तक जाए अरे साली निर्मोही जब जाने देवे करल देता इतना डरावले काहे उतर ठीक बा प्रधान जी लेकिन अब का हुई अब का हुई अब तो तार लौटी निकल जाए वो कैसे देखा बिरजू भाई देखा बोला के बात एक सब संपत्ति तारे ना हो जाए अरे लेकिन कल गांव वालों के पता चले तब हाँ तब मालिक पुलिस में खबर कर दी कि आत्महत्या कर लेनी ठीक है बोला था ठीक है ना पुलिस में खबर कर दे जाओ ठीक है बोला Mm-hmm.
जननी शैल सुता दुर्गा तू माँ भवानी तू ही अगम अपार है मैया महिमा कैसे बखानी हे जग जननी शैल सुता दुर्गा तू माँ भवानी तू ही अगम अपार है मैया महिमा कैसे बखानी सुनी लारजिया सकरा वाली बिंध्या चल की रानी है मैया मोदी लेना सरनी आना अब हम कैसे दुखड़ा सुनाए बेटी तू के हो तू कहां से आई लुहा हमार नाम सुने ना हमरा ऊपर बड़ी भारी विपत पड़ल बा बिटिया तू चिंता जिन कर हमनी के पास भी कोई संतान नहीं खे माई तोहरा के हमार बिटिया बना के भेजले बाड़ी चला बिटिया तू हमरे घरे चला हम तो हैं शरण देव चला बिटिया चल बुना हाँ बिटिया चल चला बिटिया हाँ बेटी ये तू कौनो चीज के चिंता ना हाँ। करी है माई जगदम्बा तू हमार नाज बहुत निशा हो गई अब चले के चल कुछ निशा ना मिल आज इतना खुशी के दिन बा आज बिरजू भैया के बाबा चप्पो पहाड़ के आज ऐसे चमत्कार के सांपों मर गए लाठी वाले टूटे प्रधान जी ये और मेहरबानी है पिछले जन्म का कौन है पुण्य राल और ये जन्म में सुख भोगा था जी घर सला काम भी करता तू कौन बोली तू पगड़ा ही गले तू सला क्या बोली हम का 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 बोलो कुछ ना कुछ नहीं ससुरा ये मगर वो ऐसे ही पगलाएगा ऐसे ही बोलत रहता है कुछ ना अरे साला तू पगलाएगा ले इनका जमीन के का भाई प्रधान जी का कहता का रे अरे भैया कुछ ना वो का है ना कि आपके वो ये ढाई बीघा वाला जमीन है रोडवा के किनार पर बा हाँ साला वो रोडवा वाला जमीन रोडवा वाला जमीन जवाना हुआ वो कहा था कि हम चाह दिए को अंग्रेजी स्कूल खोले के सही कह लेके जुने पढ़े ले रोड के सामने जमीन चाह रहे तो सोचने की बीजी भैया की जमीन ही सला आप ही के जमीन के पीछे पड़ के लाते हो के अंग्रेजी अरे वो प्रधान जी आप पर नहीं जमीन है हमारे तो हर कोनो बैटल नहीं के लेंग कागज लेंग हम अभी लिख देते हाँ ठीक है तो कहता रहा अरे सलाम ठीक कहता रहा अरे अपना नरक में जाके बस सलाम बिरजू भैया के जमीन हम अपन अपन नाम कराए पाप के भागी बने में तो हमारा प्रधान जी कौन नरक के बाद बा कौन नरक के तोरे जमीन है भाई कितना बनिया पड़त बारन वो सब भैया 8 लाख के नुकसान में बारन ले ली ना का भैया 8 लाख राम भगवान प्रधान जी के आशीर्वाद भगवान के देले से कुल बा 8 लाख के भरपाई हो जाए तो प्रधान जी के काम में ना आई अब तू अरे भाई तू कितना मान आने वाले मुझे हाँ बोला हम भगवान से तोरे लिए मन्नत मांग ले रहे कितना खुशी के बात बा हाँ आओ माई के आशीर्वाद ले लिया हाँ बोला बोला
हमार सौर बाबा कहीं कहीं हम सपना तो नहीं खी देखा बोला तो भगवान से का मांगला हा हम हम भगवान से तुहार प्यार मंगनी है ये भोला काहे बुलावती है और तू हम अच्छा अरे हे कजरी हे जगदम्बा माई ये आज हम का देखत आए राव लीला परंपार का साचो हमार सौर जिंदा बारन सुना ना बिटिया का भाई का बात बा बिटिया काहे रो अतरो कुछ नहीं चाची आज हमरा सौर की याद आ गई है हम तो डरा गई नहीं हाँ कि हमार सुनैना के कहा हो गई चला बिटिया घरे चला चला सौरू है तू के हम तोरा के नहीं खींची सुने ना ये तू का कहता रहू तू हमरे के नहीं खोची ना अरे हम तो हर पति है सौरू देखा बाबू तू यहां से चल जा इतने रात के अगर केहू देख ली तो ये विधवा के आंचल में दाग लग जाए का बात करता रहू अरे तुहार मरत तोरा आंखी के सामने जिंदा खड़ा बतू अपने आप के विधवा का हाल बढ़ू देखो बेकार के बाद मत करा हम तेरे से कोनो बात नहीं की करके चाह कैसे ना सुन हाँ अग्नि के साथ ही मान के हम तो संगे साथ फेरा ले बानी
हमारा नाम के मंगल सूत्र पहने रहू तू और कहत्तर रुपये नहीं खेती ना तू हमार हाउ हमरे रहू सुने ना हर हाल में हम तुहरा के हासिल करके रहा सुना ना ये कौन लड़का रहल है और ये का चक्कर बा सुने ना बेटी हमने के तोहरा के का समझ नहीं है तू का निकल लू बोला बोल का निकू अब हम जोड़ा के का समझाए अरे तू का समझे बु हमरा के जो देखे कराओ ये अखिया से देख लेनी जा जी बस बस चाचा एक आगे एक शब्द मत बोली अरे हम कोनो गलती नहीं के कहले ये हमार कहानी बेटी जब तुहार पति बाड़न तब तू इतना दूर कहाँ भागत अड़ू अब हम का बताए चाचा उनके संगे गजरी नाम का एक लड़की भी वो दोनों के बीच प्यार बा अब हम वो दोनों के बीच कैसे आ सकीला यही खातिर हम अनजान मनता नहीं चुप हो जा बिटिया मत रोवा सकरा वाली मैया कोनो करिश्मा जरूर दिखाई है चुप हो जा बिटिया सीताराम 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 का भेल बचवा केकरा के खोजा तारा आ काहे इतना घबराइल बड़ा का कोनो बात भेल का पुजारी जी यहाँ सुनैना नाम के लड़की बाड़ी आ वो मंदिरे पर रहेली कहीं लौकत नहीं की सुनैना ना 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 बचवा सुनैना नाम कोनो लड़की नहीं बिया जरूर तोरा कोनो गलत फहमी भइल होई हो सकेला दूसरे मंदिर में होके नहीं पुजारी जी हम सही जगह पर आइल बानी कल रात यहाँ हम सुनैना से मिलल रहले ना बचवा हिया कोनो लड़की ना बिया कोनो लड़की ना बिया सीताराम सीताराम हम तो रात यहाँ आइल रहली कहीं हमरा भुलावना तो नहीं के धैले भोला ए भोला का कुछ कहा था रुका आजकल हम देखा था नी तो बहुत खोया खोया रहा तारा नहीं कजरी ऐसा बात नहीं बा हम बिल्कुल ठीक बानी तो के भरम भइल बा जब हमारा खुलत है तब तो सोचत रहत हम कौनो गड़बड़ जरूर बा आजकल हमारे सर में बहुत दर्द रहा था का बात करत हो तुहार तबियत तो ठीक बा ना आवा चला हम तेल मल दी चला उठा सुने ना बिटिया आपे बोली सुने ना बिटिया हमनी के तोहार और सबरू दोनों जने के बाद सुन ले ले बानी जा सबरू ठीक कहत बा तू होकर बात मान ला नहीं चाचा सबरू के बात मान ला पर एगो निर्दोष लड़की के जिंदगी बर्बाद हो रहल बा हम का करी हमरा कुछ समझ में नहीं के आवत सुने ना बिटिया आखिर सबरू तोहर भले के लिए कह रहल बड़न उनके समझा जाना आखिर सौरू तोहर पति हवन बिटिया उनकर बात मनले में ही तोहर भलाई है नहीं नहीं चाची हम ये बात कभू न मानब आखिर भगवान ऊपर से देख रहल बा वो हमका कभो माफ न कहिए अरे कबो कबो बड़ बुजुर्ग के भी बात मान लेवल जाला तू जज्बात में आके त
तोहार मति भ्रष्ट हो गेल बा और कुछ नहीं। चाची हम का करी, हमरा समझ में कुछ नहीं के आवत। चुप चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। हमार बात तोहरा समझ में काहे नहीं खियावत। तू हमार पत्नी हो, का तोहरा ऊपर हमार हक नहीं का? हाँ, तोहरा नजर में हम तोहर पत्नी है, लेकिन दुनिया की नजर में नहीं। दुनिया की नजर में सरू और सुनैना मर गए सर, तो कौन दुनिया के बात करता है तू? सुनैना, हम तोहके पहले से ही प्यार करत रहली, फिर शादी कर ली और आज हम तोहके दिलो जान से चाहिला। अरे कजरी तो हमारा से एक तरफा प्यार करे ले। हमके मत भरमा, हम सब समझत बानी। तो ठीक बा, जब तक हमारा बात के जवाब ना देबू तब तक हम यहां से अपन हाथ ना हटाए।
अरे दगा बाप, निकल बाहर, साची साची बताओ कहाँ गए रहो? हम नदी किनारे टहले गल रहनी है। तू झूठ बोला था, खा अपन कजरी की कसम, तुहारू लड़की से रिश्ता काबा? नहीं, हम नहीं मानब, तू झूठ बोला था। तब तुम क्या करे गए रहो, बताओ? हमरे विश्वास के तू तोड़ दिला, हमरे प्यार के साथ तू बहुत बड़ा घात कैले बारा। अरे चंडाल बताओ कहाँ नहीं हो, कहाँ गए रहो? हमरे कजरी के जिंदगी में आग लगा के का बात बा कजरी, ये सब का होता? बाबू बाबू, हमरा साथे बहुत बड़ा धोखा भइल बा। ओ भोला, हमरे दिल हमके पहले मरना भी बहुत बड़ा बहुत रुपया। छोड़ दो सब, जी बहुत घबरात बा, लागत सब रुपए को विपत्ति आयल बा। अरे बिटिया कुछ नहीं भेल बा। नहीं नहीं चाचा, चली हमार सब रुपए को मुसीबत में बाड़े। अच्छा बिटिया, हम जाके देखा तानी, ठीक बा? ना चाचा ना, हम तो हाथ जोड़ा तानी, हम कभी ले चली चाची, हम हो जाए चली ना बिटिया के ले चली। अरे बिटिया सपना देख ली हुई, और सपना से आदमी डर जाला। ना चाचा, हम सपना ना देख ली, जरूर कोनो बात बच चली। चली ना ले चली, बिटिया के ले चली। चला चली चला बाबा। सरदार छोड़ दे उनका, काहे मारे तरह, छोड़ सब रुके, छोड़ दे सरदार। आखिर क्या गलती बा, काहे मारे तरह? तो आगे लू नागिन मर लू ना। अरे भोला की ये दुर्गति तोहरे कारण तो भइल बा। हमरे कारण भइल ना, चाहे तो हम आल जान लेला, लेकिन हम सब लोग के जान बचता, हम तोरा पाप पड़े दुबानी। लड्डू छोड़ दे के ना, हम ही धोखेबाज के ना छोड़ब। लड्डू हम कहता नहीं छोड़ दे के ना, लड्डू बस। अब अगर एक को हाथ उठावला तो माई कसम कुत्ती कुत्ती काट के ही धरती में गाड़ दे। बोला बिटिया काम आज रहा? सुने ना दीदी, हमके माफ कर दा, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, हम ना समझ पाई नहीं माजरा बा। नहीं कजरी बे, इमें तो हर कोनो दोष नहीं की, अरे इता हमार किस्मत के दोष बा। बिटिया तोहरा अंदर बहुत त्याग और बलिदान बा, बहुत दुख सहले बड़ू तू, कजरी तना दान दी एके माफ कर दे। नहीं चाचा, इमें कजरी के कोनो दोष नहीं की, और ना ही कोनो दोष सब रुके बा। तो ठीक बा, जैसे कजरी हमार बेटी बाड़ी, वैसे आज से तू हमार बेटी बाड़ू, हम तो नहीं लोग अपन घर से विदा करो। का भाई लोग, लट्टू भैया तू हमारे सुनैना बिटिया की जिंदगी बचा देला। अरे वो बेचारे के तो केहू ना ही रहल हो, तुहार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना पंडित जी, ये सब तो भगवान के कृपा बा, चाहे एक साथ तीन तीन को जिंदगी बचा ले ले। चलो बिटिया भीतर चलो।
कजरी इनके ले चल। चल आराम कर। चलो बेटा तुम चल। परदेसी बाबू मुबारक हो तुहके तोहर प्यार।
दीदी अगवा के लड़की रसिया मोहर लगा की जिंदा तो मर गए रहे फिर जिंदा कैसे भइल बाबू राम बोलते अरे साला पहले सांस ले ले बोल ठीक से का बात बा पहले अब ये देख लिया उस अबरू सुने ना जिंदा बाल जिंदा परमी मम्मी तक मैं कितनी बम बम परमी मम्मी तक मैं कितनी बम बम अरे साला ते पगला के बड़े का निशा उसा करके ले है परमी मम्मी तक मैं कितनी बम बम हे बिरजू भैया ई समझ बाबू सुने ना के हमहू तो यह सोचता नहीं कि सरवा जब आवेला अजबे खबर लेके आवेला अरे हमार विश्वास कर भैया तू तो मालिक मालिक हमार विश्वास करी मालिक हम अगर झूठ बोली तो हम घोड़ा के लीद खाई रउवा जे कहब से हम मान मालिक हम ये अखिया से देख लिया उ बगीचा के पीछे सुनैना आ सबरू चुप सारे सबेर सबेर भांग पी ले बारे का बिजु भैया इधर आ देख बेटा देर फुटिया मंगरू सही सही बता दे कि क्या बात बा तेरा के मालूम बाना कि कैसे उल्टा लटका के मारी ले हाँ बता दे बोला हाँ बोला मालिक हाँ बोला बोला नीचे खड़ा होके बोल अरे ना बेटा तू ऊपर बैठ के बोला आराम से बोला ठंडा हो गया हम कसम खा के कहते नहीं मालिक हम अपनी अखिया से देख लिए सुना ना सब ने दोनों चुम्मा चाटी कर रहे हैं साले टिमरा ठीक ठीक बस बस साले खदाई जा जमीन पड़े कब तक साले बस भांजी भांजी मगर वह साथ कहत बा हम अपने आँखी देख क्या होत बानी अब कहाँ ही प्रधान जी हे बिट्टू चलो तो तनी चल के देखा जाओ अरे सुनो लोगन सब सामान वामान निकाल चीज तैयार कर चल चल सबके साथ चल ए चल सब आ जाओ अरे का बात बा काहे इतना उदास बाड़न अब हम बानी न तोरा साथ अरे सब मालिक पहले चेक करके देख ली जिंदा बाकी होकर भूत बा भोजपुरी में एगो बोल बोलल जाला माई घुमस गली गली बाप के नाम बजरंग बली जिंदा बा लेकिन आप जिंदा ना बची सच्चे बड़ा ढीठ बा इतना होला कि बादो न मोले सांप कर अब को न मौत है चलो कोनो बात ना अब हम ही के काटे के पड़ी तब पे मुंह बैठू अब तू हो चमक चल लो ते उन्हें मारे लो हाँ कितना बार बचू चलो कोनो बात ना अब दोनों से तनिक सूद समेत ऐसे ही सब की तब वसूल कर ले जाओ जगह भी अच्छा वक्त भी अच्छा है तू जाओ हरजी जा प्रधान जी विधि के विधान के केहू टाल लिखे सकल और अब हमके समझ में आ गई कि हम जिंदा काहे बनी तोर अंत करेगा तेरे
कीजिए, जाके बताओ एक बड़ी। Yeah.
हमके काहे खातिर मारल चाहत हो भैया? धन संपत्ति खातिर ना। हमके ऐसा धन ना चाहिए जो हमरा से भाई भाई के ना रहे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लिया, हम सब कुछ खो सकीला लेकिन अपन बड़ बाप समान भाई के ना। जाओ, सब कुछ तुम्हारा भैया। तोहरे सहारे तो जिंदा बानी, अगर तू हमरा के छोड़ के चल जाइबे तो हम के करा सहारे जी? अब कहीं कहीं हमार पिटिया ये तू काहे कहियो? तो के कुछ ना होई, चल गजरी। गजरी हमार बहन, हम तोहरे कोई बात जिंदगी भर ना भूला। भैया हमरा के माफ कर दे भैया, हमार कोनो गलती नहीं थी। हम भगवान से ये मना होता नहीं दीदी, और जोड़ी सात जन्म तक बनाए रखे। अरे बड़ी नीक लागत बा सुनैना के गाँव, बड़ी नीक लागत बा सुनैना के गाँव। मन कर बैठी तनी, मन कर बैठी तनी पिपरा के छाँव हो, बड़ी नीमन लागत बा गोरी तोहर गाँव हो, बड़ी नीमन लागत बा गोरी तोहर गाँव हो।